हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवा गृद्धि ब्लॉगर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दो, और जो बाजू में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दो, क्योंकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम सब जाने वाले हैं हमारे गाँव में, क्योंकि युवान को माता रानी के दर्शन करवाने हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद 1.25 महीना होने के बाद हमारे यहाँ माता रानी को प्रसाद चढ़ता है। वो प्रसाद चढ़ाने के लिए हमें जाना है, और युवान भी फर्स्ट बार ही जाएगा माता रानी के दर्शन करने के लिए। और युवान का 1.25 महीना हो गया है अभी, तो आज हम लोग जाने वाले हैं हमारे गांव युवान को माता दी के दर्शन करवाने के लिए। तो मतलब हमारे गांव का मतलब एक ही ब्लॉग आया था ना रिद्धि, जो भाई के शादी में गए थे ना, आपको दिखाया था कि छोटे भाई की शादी थी, हम शादी में गए थे और पूरा ब्लॉग आया था शादी में, कैसे शादी होती है वो सब। तो आज भाई मतलब हमारे गाँव में ही जाने वाले हैं, तो उधर का ये सेकेंड ब्लॉग होगा। तो अभी रिद्धि तो मतलब रेडी हो गई है, लेकिन अभी उसको ज्वेलरी पहनना बाकी है ना रिद्धि। तो अभी रिद्धि और बेबी तो दोनों मतलब सबके साथ में आएगी, लेकिन मेरे को थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को इधर से माता रानी के लिए फूलों के हार लेकर जाना है, और जो मिठाइयाँ है वो भी लेने के लिए कर जाना पड़ेगा इधर से। तो अभी गांव से भाई निकल गए मेरे को लेने के लिए, तो मैं और सनी भाई इधर से जाएंगे, और रिद्धि और बेबी तो जो प्रसाद माता दी का घर पर बन रहा है वो बन जाएगा, तभी आप कॉल कर देंगे गाँव से कि आ जाओ, तब आप लोग तभी आएगा ना रिद्धि। तो तब आ जाएगी और आपको आज देखने को मिलेगा। मतलब अभी बहुत ही जल्दी बेबी का फेस रिवील होगा है ना। हाँ। तो अभी रिद्धि को ज्वेलरी पहननी है, तो तुम रिद्धि जाओ, अभी तुम रेडी हो जाओ, नहीं तो अभी युवान सो रहा है तो वो भी उठ जाएगा। तो अभी रिद्धि जाए मतलब जाओ तुम युवान के पास। तो अभी चलो, मुझे भी जाना है गांव में। तो अभी भाई भी आ गए होंगे, कब से निकल गए, तो अभी भाई भी पहुँचने वाले होंगे। तो चलो अभी मैं सनी भाई को लेकर बाहर चला जाता हूँ, तो बाहर से डायरेक्टली गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे। सही दुकान तो गए। अभी मिठाई की दुकान से मिठाइयाँ तो ले ली है, अभी फूलों की माला लेने के लिए जाना है। तो अभी इधर से आगे मिल जाएगी फूलों की माला, तो उधर से ले लेंगे फूलों की माला। तो अभी रोहित भाई ने ये मिठाइयाँ तो ले ली इधर से। तो गए अभी फूलों की शॉप पे पहुंच चुके हैं, तो अभी इधर से फूलों की माला ले रहे थे माता दी के चढ़ाने के लिए। तो अभी डायरेक्ट घर जाके व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। तो ये देखो, जो माता दी को प्रसाद चढ़ाना है वो भी अभी रेडी हो गया है, और जो ये गेस्ट लोग के लिए खाना बन रहा था वो भी थोड़ी देर में अभी रेडी हो जाएगा। तो ये सब रेडी हो जाएगा, बाद में इधर से कॉल कर देंगे तो रिद्धि और वो सब आ जाएंगे। तो गाइस, आपने प्रसाद देख लिया और जो गेस्ट के लिए खाना बन रहा था वो भी देख लिया। तो चलो अभी रिद्धि और बेबी का वेट करते हैं, जब वो आएंगे तभी व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि रिद्धि और बेबी दोनों ही आ गए, तो अभी दादी उनको लेकर घर में ले जा रही है, और अभी थोड़ी देर बैठे के बाद में युवान को ले जाएंगे माता रानी के दर्शन करवाने के लिए। तो ये देखो, अभी जीनू और दीदी दोनों ही युवान के साथ खेल रहे हैं, और ये देखो रिद्धि, हंसो रिद्धि, दांत दिखाओ, ये देखो। तो चलो अभी बाहर चलते हैं। तो गाइस, अभी ढोल वाले भाई साहब को भी बुला लिया है, तो ये रहे ढोल वाले भाई साहब, और डीजे भी बुलाया है, तो डीजे इसके पीछे खड़ा है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि अभी सब कुछ रेडी हो गया है। तो चलो अभी लेकर चलते हैं युवान को माता रानी के दर्शन करवाने के लिए, और माता रानी को प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो ये रहा डीजे, आप देख सकते हो, लेकिन डीजे का साउंड मेरे को म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसीलिए कोई बात नहीं, नो कॉपीराइट सॉन्ग लगा दूंगा।
तो गैस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर पे। तो ये रहा माता रानी का मंदिर, ये देख सकते हो आप। तो चलो अभी मेरे को भी माता रानी के दर्शन करने। तो अभी ये लोग तो बाहर गरबा ही करेंगे, तो युवान के जब तक ये रस्म खत्म नहीं हो जाती तब तक ये लोग यही गरबा करेंगे। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ माता रानी के मंदिर के अंदर, और बाहर तो सभी लोग गरबा ही कर रहे हैं। तो चलो अभी मैं माता रानी के दर्शन कर लेता हूँ। अगर आपको भी माता रानी के दर्शन करने हैं तो आप भी माता रानी के दर्शन कर लेना। और अभी ये रही माता रानी की जो प्रसाद लाए थे, वो अभी प्रसाद निकाल रहे हैं भाई लोग। और अभी इधर जो भी रस्म होगी वो आपको देखने को भी मिल जाएगी। और ये देखो बेबी की बुआ जो कि दीदी, दीदी को अपने आगे ब्लॉग में भी दिखाया होगा। और अभी इधर युवान के थोड़े से भी बाल भी काटेगी इधर, ऐसी रस्म है कुछ मेरे को नहीं पता, लेकिन ये पहले से ऐसे चलता आ रहा है। थोड़े से बाल काटेगी तो अभी यूवन की मतलब अभी कैप निकलनी पड़ेगी। तो ये देखो अभी यूवन के बाल काटे जा रहे हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी युवान का फेस रिवील नहीं किया, इसीलिए युवान के फेस के आगे इमोजी लगाना पड़ रहा है अभी। तो अभी कुछ टाइम में बेबी का फेस रिवील हो जाएगा। और अभी रोहित भाई जा रहे हैं अब सबको प्रसाद बांटने के लिए। माता रानी को तो अभी प्रसाद चढ़ा दिए। और अभी बेबी स्विंग, बेबी को इधर स्विंग भी कराएगी इसमें सुला कर अभी। ये देखो इधर इसमें सुला कर अभी बेबी को स्विंग करवाएंगे। तो देखो अभी युवान को अभी स्विंग कराया जा रहा है उस कपड़े में सुलाकर माता रानी के आगे। तो अभी ये सब करने के बाद तो गैस अभी इधर की जो रस्म थी वो तो अभी ख़त्म हो गई। और अभी माता रानी को जो प्रसाद चढ़ाना था वो भी चढ़ा दिया है। तो अभी इधर से ये रस्म ख़त्म हो गई। तो अभी युवान को लेकर घर जाएंगे, और घर जाकर सब लोग खाना वाना खाएंगे। बाद में बेबी स्विंग सेरेमनी भी शुरू होगी और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही होगी। तो चलो अभी युवान को लेकर घर चलते हैं।
तो गाइस आपने आगे वीडियो में देखा होगा कि माता रानी के दर्शन करवाने के लिए युवान को लेकर गए थे और वो भी डीजे लेकर गए थे, तो सभी लोगों ने बहुत ही डांस किया। तो अभी सभी लोग डांस करके तो थक गए होंगे, तो चलो अभी घर भी आ गए, तो सभी लोगों को खाना पिरोसना है। तो सभी लोग फैमिली वाले हैं मतलब इधर, तो सभी लोगों को खाना बाकी है, तो अभी चार पाँच भाई लोग मिल के सबको खाना भी बांटेंगे। तो चलो अभी खाना बांटने के लिए खड़ा होना पड़ेगा पिरोसने के लिए। खराब हो गए तो गाइस अभी सबने खाना खा लिया है, तो अभी रिद्धि सिस्टर बुआ और मामी उनको ही खाना बाकी था, तो अभी वो लास्ट में खाना खाने के लिए बैठे थे, इसीलिए अभी वो भी खाना खा लेंगे। और अभी हम चार पांच भाइयों को खाना बाकी है क्योंकि हम लोग तो खाना पिरोस रहे थे, इसीलिए हमें खाना बाकी है। तो चलो अभी हम भी खाना खाने के लिए चलते हैं। तो गाइस अभी माता जी को प्रसाद चढ़ा दिया है और आपने देखा होगा डीजे में जो डांस वांस सब कुछ अभी ख़त्म हो गया, सबने खाना भी खा लिया, तो अभी हमें खाना खाना बाकी है चार भाइयों को, तो अभी हम चार लोग खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने खाना खा लिया है और इन्होंने भी खाना खा लिया है, मतलब इधर सबने खाना खा लिया है। 10-15 मिनट के बाद इधर बेबी स्विंग सेरेमनी भी शुरू होगी, तो अभी सबने खाना खा लिया है, तो अभी कुछ 10-15 मिनट के बाद बेबी स्विंग सेरेमनी शुरू होगी, तभी ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो आप भी जुड़े रहना, आपको भी देखने को मिल जाएगा। कुछ अलग नहीं किया है, जैसे सब लोग करते वैसा ही इधर किया है हमने भी, कुछ अलग नहीं किया है ना दीदी। तो अभी 10-15 मिनट के बाद जो बेबी स्विंग सेरेमनी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। क्या बोलते हैं इसको गुजराती में, क्या बोलता है पारना, बस भाई गुजराती में भाई बोलते हैं, मतलब हिंदी में मेरे को पता नहीं था क्या बोलते, इसलिए बेबी स्विंग सेरेमनी है। तो आप देख लेना अभी कुछ 10-15 मिनट के बाद जब बेबी स्विंग सेरेमनी का सब कुछ रेडी हो जाएगा तभी आपको दिखाएगा और ब्लॉग कंटिन्यू करेगा। तो चलो अभी थोड़े 10 मिनट के बाद ही ब्लॉग कंटिन्यू कर दें। तो फ्रेंड्स आपने सब कुछ देख लिया होगा, हमने युवान को माता रानी के दर्शन भी करवा लिए हैं और माता रानी को प्रसाद भी चढ़ा दिया है।
और जो बेबी की स्फिंक्स सेरेमनी थी वो भी आपको दिखा दी है, तो जो कुछ था वो आपको अभी दिखा दिया है। और अभी बहुत ही जल्द मतलब 2-3 ब्लॉक के बाद बेबी का फेस रिवील होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि नई वीडियो आते ही आपको पहला नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय ऑल फ्रेंड्स।